हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स। गाइस, तो फार्मेसी फर्स्ट ईयर एडमिशन्स के लिए गाइस कैप्टर वन की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे हमें अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है और कैसे हमें अपने कॉलेजेस को जो प्रेफरेंस है वो देना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहे ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से मिल जाए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको फर्दर कैप्टर वन के भी जो सारे अपडेट्स है वो मिलते रहे। ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है बी फार्मेसी पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो मिल रहा होगा। इस पे आपको फिल एंड एडिट ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो मिल रहा होगा और जैसे ही आप अपना ऑप्शन फॉर्म कम्प्लीटली फिल करते हो और सबमिट करते हो तो ये जो स्टेटस है वो आपको कम्प्लीट देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारी जो इंस्ट्रक्शंस है ये भी लिखी है। प्लस इसमें ये भी बताया गया है कि आप मैक्सिमम 300 जो चॉइसेस है कॉलेजेस की वो डाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम हमारा जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करते हैं। ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्लिक कर लेना है प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म पे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसे जो ऑप्शंस है वो आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो चेक कर लेना है। डिटेल्स चेक करने के लिए व्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और अपनी सारी जो डिटेल्स है वो चेक कर लेना है। देन आपकी पूरी जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है ये चार स्टेप में रहने वाली है। कौन से चार स्टेप वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेप रहने वाली है शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस। तो इस स्टेप में आपको अपने जो कॉलेजेस है उनको शॉर्टलिस्ट करना है। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड है सेट योर प्रेफरेंसेस। तो सेकंड स्टेप में कौन सा कॉलेज को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, कौन से को सेकंड देना है, तो वो आपको सेकंड स्टेप में करना है। थर्ड स्टेप में आपने जैसे प्रेफरेंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग आपको सारे जो कॉलेज है वो अरेंज हुए देखने को मिल जाएंगे। और फोर्थ स्टेप में आपको कन्फर्म कर लेना है और अपने ऑप्शन फॉर्म को सबमिट कर लेना है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने जो कॉलेजेस है उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर कैसे हम उसको प्रेफरेंस देंगे। कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए यहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो फिल्टर्स हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहला है सिलेक्ट कोर्स नेम, ठीक है। तो कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, एक फार्मडी और एक है फार्मेसी, ठीक है। तो आपको फार्मेसी लेना है, फार्मेसी या फिर फार्मडी लेना है, तो वो आप चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे फार्मेसी चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। तो कौन से यूनिवर्सिटी के आपको कॉलेजेस के ऑप्शन चाहिए तो वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी। आपको जो भी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस चाहिए होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में मैं ऑल रखता हूँ ताकि मुझे सारे जो ऑप्शन है वो मिल जाए। फिर है यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस। तो आपको कौन से टाइप के इंस्टीट्यूट चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट एडेड चाहिए, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट चाहिए, अनएडेड चाहिए या फिर सभी इंस्टीट्यूट टाइप के ऑप्शन चाहिए, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। मैं ऑल पर रख रहा हूँ ताकि मुझे सारे जो ऑप्शन है वो आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमी स्टेटस। आपको ऑटोनॉमस चाहिए, नॉन ऑटोनॉमस चाहिए या फिर सभी ऑप्शन चाहिए, तो ऑल पे आप क्लिक कर सकते हो सभी ऑप्शंस के लिए। अगर बस ऑटोनॉमस ऑप्शन चाहिए तो ऑटोनॉमस पे क्लिक कर सकते हो। मैं ऑल पे रख रहा हूँ। नेक्स्ट है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी स्टेटस। आपको माइनॉरिटी में कौन से माइनॉरिटी कॉलेज चाहिए वो भी आप स्पेसिफिकली चूज कर सकते हो। अगर आपको सभी ऑप्शन चाहिए तो आप ऑल पे रख सकते हो, ठीक है। अगर आपने TFWS के लिए अप्लाई किया है तो आप यहाँ से TFWS जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो फिर यहाँ से आप नो भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको फ़िल्टर यहाँ पे देना है वैसे आप यहाँ पे फ़िल्टर दे दीजिए और कर लीजिए सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक। जैसे मैंने यहाँ पे फ़िल्टर्स डाले मुंबई यूनिवर्सिटी फार्मेसी, अकॉर्डिंग टू डैट मुझे जो कॉलेजेस के ऑप्शन है वो मिले हैं, ठीक है। जैसे आपने कॉलेजेस की लिस्ट बनाई होगी वैसे फिर आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, उसी के आपको जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सही से जो फिल्टर से वो डालना तभी जाके आपको सही से जो कॉलेजेस के ऑप्शन है वो देखने को मिल रहे होंगे। अगर आपको नागपुर का चाहिए तो RTMU डालना, पुणे का चाहिए तो पुणे यूनिवर्सिटी डालना, ठीक है। तो अब इसमें से मुझे जो भी कॉलेजेस चाहिए उनके बॉक्स पे मैं यहाँ पे कर दूंगा टिक, ठीक है। तो जैसे मेरी कॉलेजेस की लिस्ट है तो मुझे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी सेंटा क्रूज ये मुझे चाहिए, इसके लिए मैं अप्लाई करूंगा, इसको मैं मेरे ऑप्शन फॉर्म में डालूंगा, तो इसको मैं टिक कर ले रहा हूँ। तो जितने भी कॉलेजेस चाहिए वैसे आप यहाँ से फिर जो है वो टिक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मुझे चाहिए वैसे मैं यहाँ से फिर टिक ले कर लेता हूँ और फिर मैं इसको जो प्रेफरेंस है वो दूंगा, ओके। तो यहाँ पे मुझे जितने भी चाहिए उतने मैं क्लिक कर रहा हूँ ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने मुंबई के कुछ कर लिए, मुझे कुछ नागपुर के कॉलेजेस के भी चाहिए तो वो भी मैं डालता हूँ। बट पहले ये जो तीन टिक की है ये मैं पहले ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन पे हमें कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो जितने भी आपने टिक किए हैं ऑप्शंस वो सारे जो है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। मीन्स इतने जो कॉलेजेस है वो आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए, ठीक है।
अब मुझे दूसरे यूनिवर्सिटी के भी कुछ कॉलेजेस चाहिए, सपोज़ मुझे नागपुर यूनिवर्सिटी में कुछ जो कॉलेजेस के ऑप्शन है वो डाल देना है, तो यहाँ पे मैं सर्च इंस्टीट्यूट पे कर ले रहा हूँ क्लिक, तो मुझे नागपुर यूनिवर्सिटी से जो कॉलेजेस के ऑप्शन है वो अब यहाँ पे देखने को मिल रहे, तो यहाँ से मैं कुछ जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं RTMNU का डिपार्टमेंट वाला कॉलेज यहाँ से क्लिक कर ले रहा हूँ और इसको मुझे कर देना है ऐड, तो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐड कर दिया तो ये कॉलेज भी मुझे अब नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मुझे इन कॉलेजेस में कोई भी कॉलेज को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए बॉक्स पे क्लिक करना और डिलीट सिलेक्टेड ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक, तो आपका जो ऑप्शन है वो फिर यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने आपको कॉलेजेस के ऑप्शन डालना है उतने आप यहाँ से जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जो यूनिवर्सिटी के चाहिए यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और अकॉर्डिंगली जैसे आपने लिस्ट बनाई होगी वैसे सारे जो कॉलेजेस है वो यहाँ पर आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको क्लिक कर देना सेव एंड प्रोसीड पे ताकि आप नेक्स्ट स्टेप में जा पाओ। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो सेव एंड प्रोसीड पे और अगर आपको वापस फर्स्ट स्टेप में जाना है तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हो, आप वापस फर्स्ट स्टेप में आ सकते हो और ऑप्शंस डालना है तो डाल सकते हो, ठीक है। तो आप स्टेप में चेंज कर सकते हो सेव एंड प्रोसीड किया तो, ऐसा नहीं कि आप वापस नहीं जा सकते हो, आप वापस जा सकते हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप है हमारी सेट योर प्रेफरेंस, तो सेट योर प्रेफरेंस में आपको कौन से कॉलेज को कौन सा प्रेफरेंस देना है वो आपको यहां से करना है। तो अगर आपको किसी कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है, जैसे मुझे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी सेंटा क्रूज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है तो मैं इस पर पहली बार क्लिक करूंगा तो इस पर नंबर वन आ जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेटिकल साइंस RTMNU को मुझे अगर सेकंड प्रेफरेंस देना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका सेकंड नंबर आ जाएगा। फिर वापस बॉम्बे वाला कॉलेज है तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये थर्ड आ गया, ठीक है। तो मैंने ये रैंडमली सिलेक्ट किया है ताकि मैं आपको एग्जाम्पल दे पाऊँ, आपकी जैसी लिस्ट होगी अकॉर्डिंग टू दैट कट ऑफ्स के हिसाब से आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट करना है। और फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो कॉलेज रहता है वो ऑटो फ्रीज हो जाता है तो उसका ध्यान रखना, ऐसे कॉलेजेस डालना जो कि सही से और जो कॉलेज चाहिए वही डालना, नहीं तो किसी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं चाहिए और वो लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बराबर जो प्रेफरेंस है दे देता हूँ, इसको मुझे सेकंड नंबर पे रखना है और इसको मैं थर्ड नंबर पे रख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म समरी पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे प्रेफरेंस दिया था उसी के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस है वो सॉर्ट आउट होके मुझे अब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीन ही ऑप्शन डाले थे इसलिए मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है, आपने अगर ज़्यादा ऑप्शन डाले होगे तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट देखने को मिली होगी। और जैसे आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया उसको प्रेफरेंस दिया उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस का यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिससे आप चेक करवाओगे कि कौन से कॉलेज को आपने कौन सा जो प्रेफरेंस है वो दिया है, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रेफरेंस देना है और यहाँ से आप जो समरी है वो चेक कर पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद कैसे हमें सबमिट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से चेक कर लेना, अगर सब सही लगता है तो आगे जाना, अगर कुछ गलत लगता है तो आप पीछे भी जा सकते हो। तो मैं कर ले रहा हूँ क्लिक सेव एंड प्रोसीड पे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते मैं फोर्थ स्टेप पे आ चुका हूँ। अगर आपको इस स्टेप से वापस जाना है किसी भी स्टेप में तो आप उस स्टेप पे क्लिक कर लीजिए, आप वापस आ पाओगे। फोर्थ स्टेप में आपको कॉलेजेस का जो नाम है वो देखने को नहीं मिलेगा, उनका जो चॉइस कोड है वो देखने को मिल जाएगा। तो जो ऑप्शन फॉर्म की समरी है मतलब थर्ड स्टेप है, इसमें सभी कॉलेजेस को अच्छे से अरेंज कर लेना ताकि आपको फिर कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना हो, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में सेव एंड प्रोसीड करके चले जाना। सेव एंड प्रोसीड करके जब आप फोर्थ स्टेप में जाओगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप सुनिश्चित हो कि जैसे मैंने ऑप्शन फॉर्म डाला सब सही है, मैंने जो प्रेफरेंस दिया वो भी सही है, तो प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक कर लेना। जब आप लॉगिन करते हो वो पासवर्ड डालते हो वो डाल देना, या फिर OTP का आएगा तो OTP नहीं तो पासवर्ड डाल के अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो कर देना सबमिट। सबमिट करते ही आपको अपना ऑप्शन फॉर्म का जो स्टेटस है वो कंप्लीट देखने को मिल जाएगा और फिर हमारा जो अलॉटमेंट लेटर है वो लगेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको जो कॉलेज है वो लगा है या नहीं लगा है। इस टाइप से आप अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। कुल मिला के चार स्टेप थी, तो चारों स्टेप मैंने आपको डिटेल में बता दी है। एक बात का जरूर याद रखना कि अगर आप कंफर्म करके सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आप कोई भी जो चेंज है अपने ऑप्शन फॉर्म में नहीं कर पाओगे। प्लस कॉलेजेस के ऑप्शन के लिए यहाँ पे आपको सही से जो फिल्टर्स है वो चूज करना है। सही से फिल्टर चूज करोगे तो आपको कॉलेजेस के सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। प्लस जब आप प्रेफरेंस दोगे तो प्रेफरेंस भी ध्यान से देना, क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस गलत दे देते हो तो गलत कॉलेज लगा तो आपका ही जो नुकसान है वो हो सकता है, ठीक है। और जैसे ही अलॉटमेंट लेटर का अपडेट आएगा तो उसका भी जो अपडेट है वो मैं आपको दे दूंगा और बता दूंगा कि कैसे आपको जो सीट एक्सेप्टेंस है वो करना और फर्दर जो प्रोसेस है वो कैसी करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जरूर ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कर दूं। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।